नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त यूके की गवर्नमेंट दे रही है एक ऐसा वीजा जिसके लिए जॉब की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीजा का नाम है यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा। अगर आप इस वीजा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बिना जॉब्स के यूके में एंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। और अगर आप पहले भी आ चुके हैं हमारे चैनल पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा के तहत जो है आप यूके जा सकते हैं, 3 से 5 सालों के लिए रह सकते हैं या फिर आप निरंतर वहां रह सकते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छी सैलरी मिलती है और इसमें जो है आपको किसी जॉब की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आप वीजा ले सकते हैं। अगर आप टेक के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको वीजा मिल सकता है। साइंस और मेडिसिन के फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको वीजा मिल सकता है। आर्ट्स एंड कल्चर के फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीजा मिल सकता है। ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और अलग अलग फील्ड और भी है दोस्तों जिसके लिए आपको ये वीजा मिल सकता है। अगर आप इस वीजा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको जो है इस वीजा की पूरी जानकारी देने वाला हूं और वो भी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से, यानी कि जानकारी जो है दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सरल भाषा में होगी। हिंदी में समझाऊंगा आपको ताकि आप बिल्कुल प्यार से समझ सके और अगर आपको इस वीजा के लिए अप्लाई करना हो तो आप वीजा के लिए अप्लाई भी कर सके। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, उसके बाद करेंगे बाकी की बातें। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेके आ चुका हूं और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ग्लोबल टैलेंट वीजा के बारे में। यहां पर आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ओवरव्यू आपको बताया जाएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए वो बताया जाएगा। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और पार्टनर और चिल्ड्रन किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही आप वीज़ा एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं और इस वीज़ा में स्विच कैसे कर सकते हैं। सपोज आप किसी और वीज़ा को लेकर के ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं और आप वीज़ा स्विच करके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। ओवरव्यू में सबसे पहले बात करेंगे कि भैया इस वीज़ा का मतलब क्या है, ये वीज़ा क्यों इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्लोबल टैलेंट वीज़ा टू वर्क इन द यूके इफ यू आर लीडर और पोटेंशियल लीडर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। यानी कि अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा बढ़िया है या फिर आप हो सकता है आगे जाकर के बढ़िया हो जाएं, पोटेंशियल लीडर हैं, ठीक है, तो आपको जो है ये वीज़ा मिल सकता है। और ऐसे ही लोगों को यूके अभी ढूंढ रही है। अगर आप अकेडमिया और रिसर्च के फील्ड में बहुत ही अच्छे एक प्रोफेशनल हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। साथ ही आप आर्ट्स एंड कल्चर के फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर चुके हैं या फिर काम कर सकते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको पोटेंशियल लीडर या फिर लीडर की क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेंगी। आपको जो है मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि वाई दे शुड गिव यू दिस वीज़ा। अगर आप वो प्रूव करने के मतलब क्या कह सकते सक्सेस हो जाते हैं उस प्रूव करने में तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है दोस्तों। साथ ही आपको कम से कम 18 साल का होना पड़ेगा। अगर आप 17 के हैं 16 के हैं तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, 18 से ऊपर है तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं बताई जा रही है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा यू कैन यूजली ओनली अप्लाई फॉर अ ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इफ़ यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एन एंडोर्समेंट टू प्रूव दैट यू आर अ लीडर और पोटेंशियल लीडर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए जो है आपको एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंडोर्समेंट के लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद जो है दोस्तों आपका जब एंडोर्समेंट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको ये वीज़ा मिलता है। एंडोर्समेंट में बेसिकली ये प्रूफ किया जाता है आपके स्किल्स या फिर आपकी चीज़ों को देख करके, आपके क्वालिफिकेशन को देख करके, क्या आप एक्चुअली में इस चीज़ के इस वीज़ा के वर्दी हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा विदाउट एन एंडोर्समेंट इफ़ यू हैव वॉन एन एलिजिबल अवार्ड, या फिर अगर आपने कोई अवार्ड वगैरह जीता है तो आप बिना एंडोर्समेंट के भी ये वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है अवार्ड्स की लिस्ट चेक करनी पड़ेगी जो कि आप यहाँ से ब्लू लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू विद अ ग्लोबल टैलेंट वीज़ा एंड हाउ टू अप्लाई फॉर एन एंडोर्समेंट इफ़ यू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब यहाँ से जो है आप अलग अलग फील्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेकर के क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और इंडोर्समेंट कैसे मिलेगी। सपोज मैं आपको आर्ट्स एंड कल्चर के फील्ड के बारे में बता देता हूं कि इसमें अगर आप इंडोर्समेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। और साथ ही अगर आपको आर्ट्स एंड कल्चर के फील्ड में इंडोर्समेंट मिल जाती है और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिल जाता है तो आप इस वीज़ा के तहत क्या क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये आर्ट्स एंड कल्चर वाला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ओवरव्यू वगैरह ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आर्ट्स एंड कल्चर में कौन कौन से काम आते हैं, जैसे कंबाइंड आर्ट्स, डांस, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनिंग और उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन, उसके बाद एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स, इन सब से रिलेटेड अगर आप काम कर सकते हैं और या फिर आप इन सब फील्ड्स में एक बहुत ही
माहिर मतलब प्रोफेशनल हैं तो आपको जो है वीज़ा मिल सकता है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, और आपको बुलाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीज़ा के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कम से कम 5 सालों के लिए रह सकते हैं, आप इम्प्लॉई बन सकते हैं, या फिर आप अपने दम पे काम कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप अपने जॉब चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है यूके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी दी जाएगी। जिस तरीके से आपको काम करना है करिए, बस आप जो है इकोनॉमी में हेल्प कीजिए और यूके को ग्रो करने में मदद कीजिए। बस उनका यही है कि भैया आप इकोनॉमी बढ़ाते रहो और जब तक आना चाहते हो आते रहो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और सीन लिखा हुआ है, बिफोर यू योर ब्रिंग योर पार्टनर एंड, उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन विथ यू एज योर डिपेंडेंस इफ दे आर एलिजिबल, यानी कि आप इस वीज़ा के तहत अपने बच्चे और अपने पति या फिर पत्नी को भी लेके जा सकते हैं, और आप ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं, यानी कि यूके से बाहर जा करके वापस यूके जा सकते हैं, और इसके लिए जो है किसी टाइप की बाउंडेशन नहीं रहेगी, ठीक है। साथ ही देयर आर नो लैंग्वेज और मिनिमम सैलरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, साथ ही कोई सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी सैलरी उठाओगे तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा, आप आराम से ये वीज़ा ले सकते हैं दोस्तों। और तो और आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं दोस्तों, 3 सालों के बाद या फिर 5 सालों के बाद, वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल है, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी जो आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों, मैं बाकी की चीज़ें भी बता देता हूं। इस तरीके से आप जो है जानकारी ले सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे अप टू 5 ईयर्स, 5 सालों तक के लिए रह सकते हैं, और उसके बाद जो है आप वो ले सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू स्टे या फिर रिमेन जो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लेने के बाद जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आपको। अप्लाई करने के लिए जो है आप आराम से यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और कितना टाइम लगता है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज़ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू प्रूव योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स, यू मे नीड टू अलाउ एक्स्ट्रा टाइम इफ़ यू नीड एन अपॉइंटमेंट टू डू दिस, ठीक है। इंडोर्समेंट मिलने के बाद जो है आपको टाइम मिलेगा कि भैया ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है आपको कम से कम 4 हफ्तों के बाद जो है वो आ जाता है, अप्रूवल आ जाता है, और आपको जो है रिजल्ट दे दिया जाता है कि आपको ये वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वो वीज़ा लेकर के आप यूके जा सकते हैं दोस्तों। बेसिकली अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। टोटल फीस जो है यहाँ पर 716 रुपये लगने वाली है, जिसमें 16 रुपये कह रहा हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। इसमें 700 यूरोज़ नहीं, पाउंड है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इस वीज़ा के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। इसमें आपको 716 पाउंड्स जो है अप्लाई करने के लिए देने पड़ेंगे, और ये आप दो पार्ट्स में मतलब पे करते हैं दोस्तों। इसमें आपको 524 पाउंड्स जो हैं अप्लाई पे करने पड़ते हैं जब आप इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं, साथ ही आपको 192 पाउंड्स जो है उस समय पे करना होता है जब आप वीज़ा लेते हैं। तो टोटल जो है 716 पाउंड्स होता है। उसके बाद साथ ही जो है आपको हेल्थ सरचार्ज फ़ी भी देनी पड़ती है, जो कि है 1035 पाउंड्स, जो कि आपको पर ईयर देनी पड़ती है पर पर्सन के लिए, और इससे जो है आप अलग अलग हेल्थ केयर रिलेटेड फ्री सर्विसेज उठा सकते हैं और फ्री फैसिलिटीज़ उठा सकते हैं यूके में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जानकारी खुद से भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भैया बिना सोचे समझे अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए आज ही अप्लाई कीजिए, चेकआउट कीजिए कि आपको क्या डिटेल्स चाहिए, क्या आपकी नौकरी या फिर आपका पैशन या फिर आपका प्रोफेशन जो भी है कैटेगरी में आता है कि नहीं एलिजिबिलिटी कैटेगरी में, और उसके बाद जो है अप्लाई करिए इस वीज़ा के लिए जल्दी से जल्दी। इंडोर्समेंट मिलने के बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो देखा दोस्तों, यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत आप किस तरीके से बिना जॉब के यूके जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं दोस्तों, आप जो है वहां पर रुक करके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। ये इतने सारे बेनिफिट जो है आपको इस वीज़ा के तहत मिल सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको जो है एप्लीकेशन चार्ज वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे तरीके से जो है यूके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा ऐसी तरीके की जानकारी मिलेगी, और ना सिर्फ यूके बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कंट्री की आपको जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।